अब जब हमने ये बोल दिया कि वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन, यानी किसी सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क डन, या बोलते हैं किसी सिस्टम पर किया गया वर्क डन किस पर डिपेंड करता है, कि प्रोसेस ने कौन सा पाथ फॉलो किया उस बात पर डिपेंड करता है। ये हमने बोला, अब प्रूफ भी तो करना पड़ेगा, ऐसे कैसे बोल सकते हैं, नाउ प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म हम लिख के चलेंगे और ऐसा लिखेंगे, क्वेश्चन लिखो कि प्रूफ दैट, इसे बता दूं मैं, ठीक है ये हो गया ना, हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन लिखो, प्रूफ दैट वर्क डन, ऐसे लिखो क्वेश्चन करके लिखो, इसी के नीचे लिखना क्वेश्चन, प्रूफ दैट वर्क डन बाय सिस्टम ड्यूरिंग ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज पाथ फंक्शन और इसे क्या बोलते हैं हम, इज डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाय प्रोसेस, इज डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड बाय प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस ने जो पाथ फॉलो किया उस बात पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ऐसा हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, तो करें प्रूफ। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या अज्यूम करना है, क्या पड़ेगा, एक प्रोसेस अज्यूम करनी पड़ेगी, एक सिस्टम अज्यूम करना पड़ेगा, और ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा कि वो प्रोसेस किसी एक स्टेट से, कोई सिस्टम स्टेट वन से कहाँ जा रहा है, स्टेट टू में जा रहा है, और जब भी क्या होती है, स्टेट चेंज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, आंसर, ठीक है, इसे करके लिखो, आंसर करके लिखो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेट अस कंसीडर ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम गोइंग थ्रू लिखेंगे यहां पूछते हैं, लेट अस कंसीडर ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम गोइंग थ्रू ए प्रोसेस बाय चेंजिंग its state from state 1 to state 2। जो प्रोसेस कहाँ से कहाँ हो रही है, मतलब जो सिस्टम है वो कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, स्टेट वन से स्टेट टू में क्या हो रहा है चेंज, तो उसी को तो हम प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, एंड एनी प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ये पीवी ग्राफ, तो इस प्रोसेस को हम कहाँ दिखा सकते हैं, पीवी ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ लेट सी दिस प्रोसेस इन पीवी ग्राफ नाउ यहाँ पे लेट्स सी दिस प्रोसेस इन पीवी डायग्राम या बोल सकते हैं इंडिकेटर डायग्राम बोलो एक ही बात है। ठीक है, ये मिटाओ, मैं स्क्रीन शॉट ले लो, मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, ले लिया, चलो ओके, तो बनाओ, तो कैसा होता है पीवी डायग्राम, कुछ ऐसा होता है, दिस इज पी एक्सिस, दिस इज वी एक्सिस। ठीक है, तो दिस इज माय पीवी डायग्राम, ये क्या है मेरे पास, प्रेशर है, और ये क्या है, वॉल्यूम है। अज्यूम कर लो कि दिस इज स्टेट वन एंड दिस वन इज स्टेट टू। ठीक है, और बोल दिया दिस इज स्टेट वन, इसे क्या बोल दो, स्टेट वन बोल दो, और इसे क्या बोल दो, स्टेट टू बोल दो। ठीक है, और मान लिया यहाँ पर प्रेशर कितना है, लेट अस से प्रेशर इज हियर P1, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कितना है, मान लिया हमने V1 है। ठीक है, वॉल्यूम कितना है, V1 है। सिमिलरली यहाँ पर जो प्रेशर है वो कितना बोल दिया हमने, दिस इज P2, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है, लेट अस से दिस वॉल्यूम इज V2। अब प्रोसेस हो रही है तो एक पाथ को फॉलो करेगी, अज्यूम कर लो कि वो पाथ कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, कोई भी एक आर्बिट्री पाथ ले लिया हमने, तो दिस इज पाथ फॉलोड बाई आवर
प्रोसेस, ठीक है, हमारी प्रोसेस क्या कर रही है, इस पाथ को इस तरीके से फॉलो कर रही है। अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन कितना होगा, और ये प्रूव करना है कि जो वर्क डन है हमारा वो कैसा होगा, पाथ डिपेंडेंट होगा, ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड, यहां पर क्या हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है, कि वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हो रहा है, V1 से V2 क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मुझे क्या करना है कि इस वॉल्यूम के V1 से V2 चेंज होने में कितना वर्क डन किया गया, ये फाइंड करना है। तो उससे पहले क्या निकाल लूं मैं कि बहुत स्मॉल वॉल्यूम dV चेंज करने में कितना वर्क डन किया जाएगा, एंड वी नो कि थर्मोडायनेमिक वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, dW इक्वल टू पी इंटू dV होता है। तो लेट, तैसे लिख के चलो, लेट dV, वो उसने एट फर्स्ट, ऐसे लिखो, एट फर्स्ट फाइंड वर्क डन टू चेंज वॉल्यूम बाया डी वी, एंड दैट इज dW इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, स्मॉल वर्क डन dW इज इक्वल टू प्रेशर एट दैट पॉइंट इंटू dV, होगा नहीं होगा, पी इंटू कितना आ जाएगा, dV आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या निकालना है कि V1 से V2 चेंज होने में कितना वर्क डन किया गया, ठीक है। नाउ वर्क डन फॉर होल प्रोसेस या फिर कंप्लीट प्रोसेस, कुछ भी लिख सकते हो आप, होल प्रोसेस क्या जाएगा बताओ, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दो फटाफट, तो dW इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन पी इंटू dV, dW का इंटीग्रेशन कितना होता है, W होता है, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी इंटू dV। नाउ हियर लिमिट इज फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, तो लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, 1 से 2 आ जाएगी। अगर वॉल्यूम के टर्म में लिखें तो V1 से V2 आ जाएगा, अगर प्रेशर के टर्म में लिखें तो P1 से P2 आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। लेकिन अभी हम इन जनरल बात कर रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ, स्टेट 1 से स्टेट 2, तो दिस इज माई वर्क डन, तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर वर्क डन है। ना अब हमें क्या बताना है कि जो वर्क डन है वो क्या है, पाथ डिपेंडेंट है। वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, कि पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेस पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यही चीज हमें क्या करनी है, हमें यहां पर प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो बहुत आसान है प्रूफ करना, कैसे कैसे आसान है। अब एक काम करो, थोड़ा सा आपको यहां पर एक ज्योमेट्रिकल व्यू में देखना पड़ेगा, यानी ज्योमेट्रिकली हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखो कैसे, यहां मैंने अज्यूम कर लिया कि अगर मैं अज्यूम करूँ कि दिस इज माई पॉइंट ए, पॉइंट वन, इसको मैं ए बोल दूँ, दिस इज माई पॉइंट ए, दिस इज माई पॉइंट बी, दिस इज माई पॉइंट सी, एंड दिस वन इज माई पॉइंट डी, ठीक है। ये कोई मेरे पास क्या है, ए बी सी डी, इस तरीके से एक एरिया है, ध्यान से देखो बात को, कि जो ए बी सी डी एक एरिया है, एंड दिस ए बी सी डी इज एरिया कवर्ड बाई दिस ए वी ग्राफ ऑन वी एक्सिस है या नहीं है बताओ। अगर मैं ये बोलूं कि दिस ए बी ग्राफ के द्वारा इस वी एक्सेस में कितना एरिया कवर है, तो इतना एरिया तो कवर है जितना मैंने अभी स्टेट किया, यानी ए बी सी डी, इतना एरिया तो कवर है या नहीं है, ठीक है। अगर मैं क्या निकालूं, एरिया कवर्ड बाई ए बी ग्राफ, या बोलते हैं एरिया कवर्ड बाई ए बी कर्व, जो ए बी यहां पर कर्व है, इस ए बी कर्व के द्वारा वी एक्सेस पर, वॉल्यूम एक्सेस पर कितना एरिया कवर है, ठीक है। एक बार मैं लिख के चलूं यहां पर, नाउ लेट मी फाइंड एरिया कवर्ड बाय ए बी कर्व ऑन वी एक्सेस, यानी वॉल्यूम एक्सेस पर उसने कितना एरिया कवर कर रखा है, ठीक। कैसे निकालोगे, क्लास 12th की याद आएगी आपको, ट्रिग्नोमेट्री में किया था ना हमने, कैलकुलस में किया था हमने, जब हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, ठीक है। तो अज्यूम क्या करो, यहाँ पर एक छोटा सी स्ट्रिप ले लो, लेट अस अज्यूम ए वेरी स्मॉल स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dV, जिसकी थिकनेस कितनी है, dV है, लेट अस से दिस थिकनेस इज dV, एंड एट दिस पॉइंट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो यहाँ पर जो मेरे पास प्रेशर है, माने इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, पी है, एट दिस पॉइंट प्रेशर इज पी, इसका मतलब ये जो हाइट है, इस स्ट्रिप की जो हाइट है वो कितनी है बताओ फटाफट, इस स्ट्रिप की हाइट कितनी है, पी के बराबर है, बिकॉज दिस पॉइंट इज पी, ठीक है। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो स्ट्रिप है वो क्या है, बहुत ही थिन है, ठीक है, दिस dV इज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं, ओके। ना अगर मैं क्या बोलूँ, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप निकालो, क्या निकालूँ,
एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप अगर मैं क्या निकालूं, एरिया ऑफ स्ट्रिप निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, एक आयताकार है या बोलते हैं एक रेक्टेंगल की तरह है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, पी इंटू डी वी, दिस इज एरिया ऑफ स्ट्रिप। इस स्ट्रिप ने कितना एरिया को कवर कर रखा है इस वी एक्सिस पर, पी इंटू डी वी के बराबर एरिया कवर कर रखा है। अब मुझे क्या निकालना है कि पूरे ग्राफ ने कितना एरिया कवर किया, ठीक है, तो एरिया कवर बाई होल कर्व, तो अगर मैं क्या निकालूं यहां से मेरे पास, एरिया कवर्ड बाई होल पी वी कर्व, होल पी वी कर्व लिख सकते हैं या फिर ए वी कर्व लिख सकते हो। आपके ए वी कर्व किसको दिखा रहा है कि ए से बी तक का जो कर्व है, पी वी कर्व का मतलब जो पी वी डायग्राम में जो कर्व बन रखा है उसको हम क्या बोलते हैं, पी वी कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो होल एरिया कवर बाई ए बी, ए बी ए से बी तक कर्व, कर्व ऑन वी एक्सिस, तो क्या आ जाएगा बताओ, क्या कर दोगे सिंपल, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है, ऐसा पढ़ा दो हमने, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन पी इंटू डी वी फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू, लिमिट कहां से कहां आ जाएगी, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, वही तो है कर्व कहां से कहां है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है, यानी फ्रॉम ए वन टू टू, ठीक है, आई बात समझ में। अब एक बार देखो इसके राइट हैंड साइड को देखो, इसके राइट हैंड साइड को देखो, तो क्या दिखा रहा है हमको कि दिस वर्क डन इज एक्चुअली इक्वल टू एरिया कवर बाई ए वी कर्व ऑन वी एक्सिस। इसको मैं थोड़ा और सिंपल बोलूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि वर्क डन ड्यूरिंग एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया कवर बाई पी वी डायग्राम, ऐसा बोल सकते हैं हम, आंसर हाँ जी बोल सकते हैं, बिकॉज दिस इज पी वी डायग्राम, पी वी डायग्राम में जो कर्व है उस कर्व ने जितना एरिया कवर कर रखा है ऑन वी एक्सिस वही किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही स्टेटमेंट हमको बताएगा कि वर्क डन इज पाथ फंक्शन, जो वर्क डन होता है कैसा फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। ओके, तो क्या लिखेंगे, तो नाउ From above discussion, we can say that we can say that work done during any thermodynamic process, during एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मो डायनेमिक प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी वी कर्व, एरिया ऑफ पी वी कर्व, सी यू आर वी ई, ये बात समझ में आई आपको, एरिया ऑफ पी वी कर्व किस में देखेंगे आप, ऑन वी एक्सेस, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब देखो, अब ध्यान सुनो कि किस तरीके से हम बोलेंगे कि वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन। अगर मैं यहाँ पर अगेन बोलूँ कि दिस इज माई पी वी कर्व, दिस इज माई वी एक्सेस एंड दिस इज माई पी एक्सेस एंड दिस इज स्टेट वन एंड दिस इज स्टेट टू, इन अवर फर्स्ट केस वी फॉलो दिस पाथ, हमने ये पाथ फॉलो किया, लेट अस से दिस पाथ इज पाथ ए, हम स्टेट वन से कहाँ आए, स्टेट बी में आए या फिर स्टेट वन से स्टेट टू में आए, एंड द पाथ फॉलोड बाई दिस वन, और इसके द्वारा इस वी एक्सेस पर जो कवर एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पाथ को थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूँ। नाउ इन दिस केस अवर पाथ इज समथिंग लाइक दिस, हमारा पाथ कैसा है, कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ओके, यानी मैं पहले कहाँ आया, वो इस स्टेट वन से इस स्टेट में आया, फिर उसके बाद मैं कहाँ गया, स्टेट टू में गया। क्या अभी जो पी वी कर्व है उसके द्वारा कवर एरिया पहले जो पी वी कर्व था उसके द्वारा कवर एरिया के बराबर होगा या फिर नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है यार, नहीं होगा। देखो यार इस कर्व को देखो और इस कर्व को देखो, दोनों कर्व क्या है, अलग अलग हैं। अगर मैं इसके द्वारा इस कर्व के द्वारा जो कर्व नंबर टू है या फिर उसने कर्व नंबर बी है, इस कर्व बी के कारण इस वी एक्सेस पर कवर एरिया निकालूंगा, क्या वो कर्व ए के द्वारा वी एक्सेस पर कवर एरिया के बराबर आएगा, आंसर अजी नहीं आएगा यार। अगर एरिया बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब वर्क डन भी बराबर नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन इज
पाथ फंक्शन है। ओवरराइडिंग किस पर डिपेंड करता है? पाथ फॉलोड बाई प्रोसेस पर क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक, अगर मैं इसको ये ले लूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि दिस इज माई पाथ इन सेकेंड केस, अगर पाथ ये है, दिस इज माई पाथ सी, जो पाथ सी है अगेन पाथ एरिया कवर बाई दिस पाथ सी ऑन वी एक्सेस विल बी डिफरेंट फ्रॉम पाथ ए एंड पाथ बी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ये बोलूँ कि दिस इज वर्क डन इज डब्ल्यू बी एंड इन दिस केस वर्क डन इज डब्ल्यू ए एंड इन दिस केस वर्क डन इज डब्ल्यू, सॉरी इसको सी बोल दो, ठीक, तो वर्क डन इज डब्ल्यू सी, तो इट मीन डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी एंड डब्ल्यू सी ऑल थ्री आर डिफरेंट, तीनों क्या होंगे हमारे डिफरेंट होंगे, एंड दिस सो दैट कि अवर वर्क डन इज पाथ फंक्शन, जो वर्क डन होता है क्या होता है हमारा पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, पहले से सुन में आई, तो दिस इज आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन, जो हमने क्वेश्चन लिखा था उसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपनी भाषा में आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हो, एक एक आध पेज भर देना वहाँ पर, जितना मन करेगा उतना भर देना है। ठीक है, ओके, नाउ नाउ एक चीज़ हमने प्रूफ कर दी कि वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन, लेकिन हमने ये बोला कि हीट इज ऑल्सो पाथ फंक्शन, जो हीट होती है ना वो भी क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझते हैं कि हीट इज ऑल्सो पाथ फंक्शन, जैसे वर्क पाथ फंक्शन होता है उसी तरीके से हीट भी क्या होती है, पाथ फंक्शन होती है। देखो, हम सब ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया है बचपन में, बोलते हैं एक हम करते थे क्रियाकलाप करते थे, दैट इज हम तो नहीं करते थे, जैसे हमारे मम्मी लोग क्या करते हैं, छाछ बनाती हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा है, बहुत पुराना होता था, पुराने ज़माने में ऐसे करके छाछ बनाते थे यूँ करके। आजकल क्या आ गया, उनके उनकी जॉब क्या आ गया है, मशीन आ गई है, जिसमें क्या होती है, एक फिरकी लगी होती है उसके नीचे से और वो ऐसे घूमती है छाछ के अंदर, तो छाछ बनती है। ठीक है, यानी वो घूम रहा है यूँ करके, पहले उसको हाथ से घुमाते थे यूँ करके हम, अब क्या आ गया है, घुमाने की उसमें मोटर लगी होती है। ठीक है, आप अज्यूम करो मोटर नहीं है, आप हाथ से घुमा रहे हो उसको, जब उसको हाथ से यूँ करके घुमाते हो तो छाछ बनने में समय लगता है, छाछ घूमती है यूँ करके, और छाछ घूमते 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 छाछ बन जाती है, और आप जब छाछ में हाथ लगाते हो तो छाछ गर्म होती है, यानी छाछ का टेम्परेचर क्या करें, राइज कर गया है, यानी छाछ में क्या हुआ, हीट ट्रांसफर हुआ, और हीट ट्रांसफर कब हुआ, जब हमने क्या किया, वर्क किया, यानी हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल बाय डूइंग वर्क, एंड जब हीट ट्रांसफर हो रही है हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, बिना वर्क किए हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, इफ हीट ट्रांसफर इज डिपेंड अपॉन वर्क एंड वर्क इज ए पाथ फंक्शन, देन ऑटोमेटिकली हीट इज ऑल्सो ए पाथ फंक्शन। एक्सप्लेनेशन में आया, क्या बोला हमने कि अगर हमें क्या करना है, किसी एक सिस्टम को हीट ट्रांसफर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, बात आई समझ में, और अगर हीट ट्रांसफर इज डन बाय डूइंग वर्क एंड वर्क इज पाथ फंक्शन, इट मीन हीट इज ऑल्सो पाथ फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हीट है वो भी क्या है, पाथ फंक्शन है, क्योंकि हीट ट्रांसफर ही कब हो रही है, जब हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है, यहाँ पे सिंपल सा क्या है, एक्सप्लेनेशन है। तो इन सेम वे ऐसे लिख के चलो, हीट इज ऑल्सो पाथ फंक्शन, हीट इज ऑल्सो पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन बिकॉज हीट इज ट्रांसफर, सी ए यू एस ई, बिकॉज हीट इज ट्रांसफर, हीट इज ट्रांसफर्ड बाय डूइंग वर्क, बाय डूइंग वर्क। ठीक है, हीट ट्रांसफर किसके द्वारा होती है, वर्क करके क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है, एंड वर्क इज पाथ फंक्शन, देन ऑटोमेटिकली हीट इज ऑल्सो पाथ फंक्शन, हीट भी क्या होती है, हमारी पाथ फंक्शन होती है। ठीक है, सिंपल सा क्या है, एक्सप्लेनेशन है। ओके, नाउ अब यहां पर एक छोटा सा टर्म आता है, दैट इज सप्लीमेंट्री फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिवन बाय जूल। ठीक है, तो ये मिटाऊं मैं, इसको छोड़ लो, मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन आगे हम प्रूव करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर इतना मान के चलो कि इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन होता है, ऐसे रट के चलो या बोल सकते हैं जो भी करते हो, लेकिन हम प्रूव करेंगे आने वाले समय में कि इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, सो वी कैन से दैट कि इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, ये आने वाले लेक्चर में प्रूफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए याद कर लो जो हमने पूरा वहां पर एक पूरा पैराग्राफ लिखा था। ओके, ये मिटा दूं मैं। अब लिखो सप्लीमेंट्री फॉर्म ऑफ
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जूल ने इस पर बहुत काम किया और जूल ने उसका सप्लीमेंट्री फॉर्म दिया है, तो इस तरीके से लिखो सप्लीमेंट्री फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सप्लीमेंट्री फॉर्म, देखो जूल ने एक्सपेरिमेंट किया, जो एक्सपेरिमेंट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया वही एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उन्होंने क्या लिया, इस तरीके से एक कोई एक बीकर टाइप का लिया और इसके अंदर इस तरीके से कुछ लिक्विड भर दिया, ठीक है, शरबत भर दिया, लिक्विड भर दिया, कुछ भी कर दिया, और यहाँ पर इस तरीके से क्या लगा दिया, यूं करके एक पिस्टन लगा दिया और इस पूरे सिस्टम को बाहरी दुनिया से आइसोलेट कर दिया, ठीक है, ताकि यहां पर कोई बाहरी दुनिया से हीट ट्रांसमिट ना हो पाए, यानी एक इंसुलेटिंग वॉल लगा दी यहां पर यूं करके, ठीक है। फिर क्या किया, यहां पर एक इस तरीके से वो छांद बनाने वाली मशीन डाल दी, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो इसको, मैं क्या बोल रहा हूँ, छांद बनाने वाली मशीन डाल दी, जिसमें क्या लगा होता है इस तरह से फिरकी टाइप की लगी होती है, ओके, जो इस तरीके से छांद में क्या हो सकता है, घूम सकता है यूं करके, ओके, ऐसा करके घुमा सकते हैं इसको। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट किया, ओके, यूं करके वर्क करना स्टार्ट किया। उन्होंने देखा, जैसे उन्होंने वर्क किया और बहुत टाइम तक वर्क किया, बोल सकते हैं माना एक घंटा तक इसको घुमाते रहे, और एक घंटे बाद इस लिक्विड का टेम्परेचर नोट किया, तो उन्होंने पाया कि लिक्विड के टेम्परेचर में क्या है, चेंज है। और टेम्परेचर में चेंज कब आता है, जब हम क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर करते हैं, यानी यहां पर क्या हुआ, हीट ट्रांसफर हुआ, और हीट ट्रांसफर कब हुआ, जब हमने क्या किया, वर्क किया। देखो पूरा इंसुलेटिंग है, तो हीट ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल था, इस फिरकी की वजह, जो हम वहां पर घुमा रहे हैं यूं करके, ठीक है। तो उनने क्या बोला कि दिस वर्क डन इज ए रीजन बिहाइंड हीट ट्रांसफर फॉर दिस सिस्टम, ठीक है, जब हम लोग वर्क कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। और उनने पाया कि जो हीट ट्रांसफर है एक्चुअल में वो वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्या बोला उन्होंने कि वर्क डन डब्ल्यू, अगर मैं डब्ल्यू वर्क कर रहा हूँ, देन दिस वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू हीट, सॉरी प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर, नॉट इक्वल टू, या उससे इक्विवेलेंट टू हीट ट्रांसफर बोल सकते हैं, या ज़्यादा अच्छा प्रॉपर तरीका क्या रहेगा कि दिस वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर। जितना ज़्यादा हम वर्क करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा, या बोलते हैं उतना ज़्यादा गर्म पानी हमारा क्या हो जाएगा, पानी बोल सकते हैं, लिक्विड बोल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और बस ये बात है यार, अगर आप एक घंटा तक ऐसे घुमाओगे तो कुछ टेम्परेचर पड़ेगा, दो घंटे तक घुमाओगे कुछ और पड़ेगा, कुछ और गर्म होगा, पूरे दिन ऐसे ऐसे करते रहोगे तो कुछ और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, आई बात समझ में, यानी जितना ज़्यादा वर्क उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफर। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर, ठीक है। ऐसा किसने बोला, जूल ने बोला। एंड इन फिजिक्स, या फिर बोलते हैं इन मैथमेटिक्स, व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, हियर वी हैव ए कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज जे, दिस कांस्टेंट इज जे, एंड दिस जे इज नोन एज जूल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कांस्टेंट, या बोल सकते हैं जूल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं इसको हम थर्मल इक्विवेलेंट ऑफ वर्क, ठीक है, ऐसा ही बोल सकते हैं, या ऐसा बोलो जूल इक्विवेलेंट बोलो सीधे, हियर जे इज जूल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इफ इट इज जूल इक्विवेलेंट एंड दिस वैल्यू इज, उन्हें एक बात बोली, उन्हें बोला कि वन कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट। अगर मेरे को क्या करना है, एक कैलोरी हीट प्रोड्यूस करनी है, क्या बोला उन्होंने, अगर एक कैलोरी हीट प्रोड्यूस करनी है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, 4.2 जूल वर्क करना पड़ेगा, ऐसा बोला। किसने बोला ये, जूल ने बोला। अगर मेरे को क्या करना है, एक कैलोरी हीट प्रोड्यूस करनी है तो कितना जूल हमको वर्क करना पड़ेगा, 4.2 जूल क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। एंड दिस 4.2 इज दिस थिंग जूल, जो ये जे है, ठीक है, आई बात समझ में, इसको पूरा जूल लिख दो, ओके, जो 4.2 है ये क्या है मेरे पास, जे है। तो ऐसे जे इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 4.2, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी,
4.2 कैलोरी पर जूल, क्या आ जाएगा, कैलोरी पर जूल आ जाएगा। तो दिस इज माई जूल इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी। ओके, इसका एक और नाम और होता है, मैं देख लेता हूँ यार। हाँ, क्या होता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो जे इज ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे और हम, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलेंगे। ओके, समझ में आई बात। तो दिस इज अवर सप्लीमेंट्री फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो इक्विवेलेंट फॉर्म है वो क्या है, वो क्या है हमारे पास, सॉरी सप्लीमेंट्री फॉर्म है वो क्या है हमारे पास, कि वर्क डन इज इक्वल टू जे इंटू क्यू। जे क्या है यहाँ पर मेरे पास, दिस इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 4.2 अप्रॉक्स, 4.19 होता है, तो 4.2 लिख सकते हैं इसको, तो 4.2 कैलोरी पर जूल। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। तो दिस इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पर एक चीज ये आती है कि व्हाट कंक्लूजन कम फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या क्या कंक्लूजन वहाँ से आते हैं। देखो, पहला कंक्लूजन तो यह आता है कि इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन होती है, स्टेट फंक्शन होते हैं, जो प्रूव करेंगे हम आगे। एंड इट ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। एंड टेम्परेचर इज ए स्टेट वेरिएबल, सो ऑटोमेटिकली आवर इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। और दूसरी चीज ये बताती है कि अगर हमको वर्क करना है, ध्यान सुना बात को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि अगर हमको क्या करना है, वर्क करना है, अगर हमको वर्क चाहिए तो उस वर्क के बराबर इक्विवेलेंट एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें वर्क रिटर्न प्राप्त नहीं होगा। और जब मैं ऐसी बातें करता हूं तब तो आपको किसकी याद आती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की याद आती है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है एक्चुअल में वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये बात समझ में आई। ओके, और यहां पर उसको ऐसे ही बोल सकते हैं, वर्क करने का मतलब अगर मेरे को क्या बनाना है, कोई एक इंजन बनाना है, तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे को इंजन से वर्क कराना है तो मुझे कुछ न कुछ फ्यूल क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। बिना फ्यूल खर्च किए हुए हम वर्क नहीं कर सकते। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि बिना फ्यूल खर्च किए हुए हम वर्क नहीं कर सकते। थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा मैं, कि वी कैन नॉट डू वर्क विदाउट एक्सपेंडिंग सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी सम अदर फॉर्म। ठीक, किसी और फॉर्म में उसके उतनी ही एनर्जी बिना खर्च किए हम वर्क डन नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, और सामान्य भाषा में बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे कि अगर हमको कोई इंजन बनाना है और उस इंजन से अगर कोई काम कराना है तो बिना फ्यूल खर्च किए हुए वो इंजन काम नहीं करेगा। तो दिस इज इट्स सेकेंड टाइप ऑफ, या बोलते हैं सेकेंड कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन इज कि इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। इसके बारे में कंक्लूजन के लिए मैं यहां पर एक अलग से अगर लिख के, मतलब जो भी कंक्लूजन है उसके दो कंक्लूजन है, इन्हीं में अंदर पॉइंट आएंगे, उनको क्या करके यहां पर लिख के आगे क्या कर दूंगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं बहुत थक गया हूं यार। ठीक है, अभी यहीं पर स्टॉप करते हैं इसको। हाँ, कम से कम एक हफ्ते बाद वीडियो बना रहा हूं, तो थोड़ा बहुत क्या हो रहा है ना, दिक्कत हो रही है, कभी कभी होता है जब छूट जाता है तो दोबारा से फॉर्म पकड़ने में दिक्कत होती है। ओके, तो अभी शायद हो गया, एक डेढ़ घंटा हो गया होगा। वैसे मैं थोड़ा, हो सकता है वीडियो को काट काट के डालूं, आधे कल डालूं और आधा आने वाले अगले दिन। ठीक है, या आधा आज या फिर आधा कल। कंक्लूजन कल करेंगे। ठीक है, कल को वैसे बता दिया क्या है कंक्लूजन, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेंगे। ओके, फिर उसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, और फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के प्रोसेस के लिए, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होगा। ठीक है, वो भी क्या करेंगे, हम एक एक करके देखेंगे, उसमें भी एक बार आइडल गैस के लिए और एक बार फिर रियल गैस के लिए। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, हमारा आगे आने वाला प्लान रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद इसके लिमिटेशन और यानी ड्रॉबैक, यानी क्या चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो उनको भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।